हम लोगों ने लास्ट क्लास में क्या पढ़ा था, याद होगा? क्या पढ़ा था? पॉइंट ऑफ टैक्सेशन रूल्स 2011, पीओटी, याद आया? पीओटी रूल्स 2011, जिसमें हम लोगों ने रूल 3 देखा था और उसके दो प्रोविजो देखे थे, प्रोविजो 1, प्रोविजो 2. प्रोविजो 1 कंटिन्यूअस सप्लाई ऑफ सर्विस के लिए था और प्रोविजो 2 1000 से ऊपर का इन्वॉइसिंग के ऊपर था. रूल नंबर 4 भी हम लोगों ने देखा था, बोलो. रूल नंबर 5 भी देखा था. हाँ या ना? नहीं देखा था हम लोगों ने लास्ट क्लास में रूल नंबर 4 5? असाइनमेंट दे. रूल नंबर 3 देखा ही था, रूल नंबर 4 भी देखा था, चेंजेस इन इफेक्टिव रेट्स ऑफ टैक्सेस. हाँ या ना? चल, आज हम पेज नंबर 34 का क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व करेंगे. पेज नंबर 34 का क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व करेंगे. ये क्वेश्चंस हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे जो भी आज दिए गए हैं. ये पीओटी रूल्स पर ही बेस्ड है सारे के सारे. क्वेश्चन नंबर 1 बहुत आसान है. निखिल लिमिटेड प्रोवाइड्स मैनेजमेंट कंसल्टेंसी सर्विसेज टू इट्स क्लाइंट अग्रवाल प्रॉपर्टी लिमिटेड फॉर एग्रीड कंसीडरेशन ऑफ रुपीज 1,50,000. अच्छा, टोटल जो कंसीडरेशन की बात की गई है दैट इज योर रुपीज 1,50,000 रुपीज. यस और नो? आगे कहता है अग्रवाल प्रॉपर्टी लिमिटेड मेक्स द पेमेंट ऑन 25th of April 2013. However, the date of completion of service is 15th April. तो completion of service कब है? 15th April 2013. While the date of payment is given to us, yes or no? How much? At what date? 25th of April 2013. The relevant invoice was raised by Nikhil Limited as per the following table. Date of invoice. कितना दिया हुआ है? फर्स्ट केस है 30 अप्रैल 2013. अब कसम है तुम लोगों को, सच सच बताना कि हम लोगों को जब 30 दिन के अंदर इनवॉइस इश्यू हो जाती है, कितने दिन के अंदर? 30 दिन के अंदर फ्रॉम द डेट ऑफ द कंप्लीशन ऑफ सर्विस. तो कंप्लीशन ऑफ सर्विस के क्या 30 दिन के अंदर इनवॉइस इश्यू है? है. अगर है तो डेट ऑफ पेमेंट और डेट ऑफ इनवॉइस विच एवर इज अर्लियर, दोनों में से पहले कौन है? 25 अप्रैल 2000. दिस इज योर पॉइंट ऑफ टैक्सेशन. हाँ या ना? क्लियर हुआ? पक्की बात है? केस नंबर 2 की बात करते हैं. लिखा है कि ये 30 अप्रैल को ना हो करके 16 मई 2013 को है. बाकी सारी डेट्स वैसी ही हैं. बोलते क्यों नहीं? तो अब जरा बताओ, क्या डेट ऑफ कंप्लीशन से 30 दिन के अंदर इनवॉइस इश्यूड है या नहीं? है या नहीं? है या नहीं? नहीं. अगर नहीं है तो कंप्लीशन ऑफ सर्विस और डेट ऑफ पेमेंट विच एवर इज अर्लियर, दोनों में से पहले कौन है? 15th अप्रैल 2013. दिस इज योर आंसर. याद आया? इसी को हम पीओटी रूल्स बोलते हैं. थर्ड केस में बोल रहा है 20 अप्रैल 2013 ये है, 15th अप्रैल 2013 एंड 25th ऑफ अप्रैल 2013. क्या 30 दिनों के अंदर कंप्लीशन के इनवॉइस इश्यूड है? है. तो इन दोनों में से जो पहले हो, डेट ऑफ पेमेंट एंड डेट ऑफ इनवॉइस, कौन सी डेट आ जाएगी? 20th अप्रैल 2013. यहां पर डेट आई थी ये, यहां पर डेट आई है ये, और यहां पर डेट आई है ये. देखो तो तीनों केस में अलग अलग डेट्स आई हैं या नहीं? दिस इज योर आंसर.
पेज नंबर 35 देखें जो आज मैंने दिया है, नोट नहीं करना है ना, आंसर दिया है मैंने उसमें। क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं। ब्रीफली आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, वेयर अ सर्विस प्रोवाइडर मेंटेन बुक्स ऑफ अकाउंट्स ऑन मर्केंटाइल बेसिस। सर्विस प्रोवाइडर मर्केंटाइल बेसिस पर बुक्स ऑफ अकाउंट्स प्रोवाइड कर मेंटेन करता है। रिलेटिंग टू टैक्सेबल सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय हिम, विल सर्विस टैक्स बी पेबल ऑन एक्रुअल बेसिस। अरे हम लोग को इससे क्या लेना देना, आप बुक्स ऑफ अकाउंट किस तरह से मेंटेन कर रहे हो, हमें उससे कोई लेना देना नहीं। आप कैश बेसिस पर बुक्स मेंटेन करो या एक्रुअल बेसिस पर मेंटेन करो, हम सर्विस टैक्स में सर्विस टैक्स रूल्स को ही फॉलो करेंगे, पीओटी रूल्स को ही फॉलो करेंगे पॉइंट ऑफ टैक्सेशन के लिए, चाहे आपको पैसा मिला हो या ना मिला हो, इससे हमको कोई लेना देना नहीं है। तो किसी भी बंदे का ये प्ली लेना कि हम एक्रुअल सिस्टम पर बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन करते हैं, देन वी हैव टू मेक द पेमेंट ऑन एक्रुअल सिस्टम बाय फॉलोइंग द एक्रुअल सिस्टम नॉट एट ऑल, उसका कोई भी प्ली अब काम नहीं करेगा। बोलो भाई, क्योंकि हम यहां पर कौन सा सिस्टम यूज करते हैं सर्विस टैक्स में, पीओटी रूल्स फॉलो करते हैं। क्लियर? आप चाहे बुक्स मर्केंटाइल सिस्टम से बनाओ, चाहे आप अपनी बुक्स कैश सिस्टम से बनाओ, हमको उससे कोई भी फर्क नहीं पड़ने वाला। चले आगे, पक्की बात है? बोलो भाई। पॉइंट नंबर 2, अ पर्टिकुलर सर्विस हैज बीन बॉट इन टू द सर्विस टैक्स नेट विथ इफेक्ट फ्रॉम 1 जुलाई 2013। ये वो पहली तारीख है, पहली तारीख तो है ही, और ये सीए डे भी होता है, मालूम है ना। 1 जुलाई ये वो पहली तारीख है जब गवर्नमेंट ने कहा कि हम ये पर्टिकुलर सर्विस टैक्स दायरे में ले आएंगे, यानी अब तक इस तरह की सर्विसेज पर कोई टैक्स नहीं लगता था। अब क्या हुआ, मिस्टर विग्नेश हैज प्रोवाइडेड दिस टाइप ऑफ सर्विसेज ऑन 20 जून 2013। एक एसएससी है जिसने कुछ सर्विसेज इस तरह की 20 जून 2013 को सर्विस प्रोवाइड की हैं, हाँ या ना। अच्छा, और करा है इनवॉइस इश्यू किया है 2 जुलाई 2013 को, कब किया है, द पेमेंट फॉर द सेम वॉज रिसीव्ड ऑन 10 जुलाई 2013। याद आया होगा कि जब फर्स्ट टाइम कोई सर्विस सर्विस टैक्स के दायरे में आती है तो मैंने बताया था कि अगर उसका इनवॉइस और उसका पेमेंट अगर मिल चुका है पहले ही टैक्स में दायरे के टैक्स दायरे के अंदर आने के पहले तो उतना सर्विस माफ होता है, इनवॉइस भी इश्यू हो चुका हो और पेमेंट भी मिल चुका हो। लेकिन दूसरा एक और कंडीशन बताया था कि पेमेंट मिल चुका है पहले ही, तो कहा गया अगर आपको पेमेंट पहले मिल चुका है तो टैक्स इफेक्ट में आने के 14 दिन के अंदर 14 डेज के अंदर अगर आपने इनवॉइस इश्यू कर दिया तो भी माफ कर दिया जाएगा। तो यहां पर देखें 1 जुलाई 2013 के पहले क्या इनवॉइस इश्यूड है, नहीं है। क्या पेमेंट मिल चुका है, नहीं मिला है, तो हम छूट का एक ही दे न। 1 जुलाई 2013 के पहले न तो इनवॉइस इश्यू हुआ है न पेमेंट मिला है, बोलो ना। अगर ये दोनों पहले हो गया होता तो पूरा माफ, अगर पेमेंट पहले मिल गया होता और इनवॉइस 14 दिन के अंदर हां है तो भी माफ, लेकिन न तो यहां पर पेमेंट पहले मिला है न तो इनवॉइस इश्यू हुआ है, कुछ भी नहीं है, दोनों कंडीशन को फॉल नहीं कर रहा, तो भैया इसके ऊपर टैक्स लगेगा, इस सर्विस के ऊपर टैक्स लग जाएगा। जरा आंसर देखें, नो टैक्स शैल बी पेबल टू द एक्सटेंट द इनवॉइस हैज बीन इश्यूड, और मैंने देखो एंड वहां पर जब पढ़ाया था तो बोल्ड लेटर्स में लिखा था, याद आया होगा, एंड द पेमेंट रिसीव्ड अगेंस्ट सच इनवॉइस बिफोर सच सर्विस बिकम टैक्सेबल, तो ये तो आता ही नहीं पहले केस में। दूसरा,
नो टैक्स शैल बी पेबल इफ द पेमेंट हैज ऑलरेडी बीन रिसीव्ड बिफोर द इट बिकम्स टैक्सेबल एंड इनवॉइस हैज बीन इश्यूड विद इन 14 डेज फ्रॉम द डेट व्हेन द सर्विस इज टैक्स फॉर द फर्स्ट टाइम. दोनों कंडीशन में बेटा ये फॉल नहीं कर रहा, तो क्या हो जाएगा, ये टैक्सेबल हो जाएगा. सोचना ही नहीं है. क्वेश्चन नंबर टू इज ओवर. क्वेश्चन नंबर थ्री की बात करते हैं. समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा? क्वेश्चन नंबर थ्री, अजय लिमिटेड हैज एग्रीड टू रेंडर सर्विसेज टू मिस्टर गुरु. द फॉलोइंग आर द क्रोनोलॉजिकल एवेंट्स. कॉन्ट्रैक्ट फॉर सर्विसेज एंटर्ड इन टू 31st August 2013. सर्विसेज टू बी प्रोवाइडेड एग्रीमेंट हो गया है. कब हुआ है एग्रीमेंट? कॉन्ट्रेक्चुअल रिलेशनशिप कब बन गया? 31st अगस्त को. एडवांस हमको मिला है सितंबर 2013 को. कितना रुपया? 60,000. ये एडवांस मिला है. और मैंने कहा था ईच सच एडवांस इज टू बी पेबल, द सर्विस टैक्स पेबल ऑन ईच सच एडवांस इज द डेट ऑफ पॉइंट ऑफ टैक्सेशन. जो एडवांस मिलता है उसी दिन उसका पॉइंट ऑफ टैक्सेशन हो जाता है, भले ही सर्विसेज अभी फ्यूचर में दी जानी बाकी हो. याद आया होगा. चलो, टोटल वैल्यू हमने जो उसके साथ कॉन्ट्रेक्चुअल रिलेशनशिप किया था वो कितने का किया था? 210,000 रुपए में. और बिल कितने का है? बिल यानी इनवॉइस फरवरी 2014 में. अरे बाप रे बाप, बहुत आगे है ये तो. एंड एग्रीमेंट हुआ है 31st अगस्त को और बिल कब लिखा जा रहा है? फरवरी 2014 में. अबव इंक्लूड्स नॉन टैक्सेबल सर्विस. अच्छा, इस 210,000 में नॉन टैक्सेबल सर्विस है जिस पर सर्विस टैक्स नहीं लगता, वो कितने का है? 70,000 रुपए का. बैलेंस कब रिसीव हुआ है? बैलेंस रिसीट हुआ है मार्च 2014 में. अब हमें यहां पर आंसर देना है. थोड़ा अजीब लग रहा होगा आगे पीछे, तो प्रैक्टिकल लाइफ की सिचुएशंस हैं जो होती हैं. ठीक है ना, ढंग से समझते हैं, पीओटी रूल्स को फॉलो करते हैं. पहला, एडवांस पर तो तुरंत टैक्स लगा दो. ठीक है ना, सितंबर 2013 एडवांस रिसीट विल बिकम टैक्सेबल टू द एक्सटेंट of that portion which is of taxable service. सर ये क्या लिख दिया आपने? अरे जो हमने सर्विस टोटल देनी है उसमें कुछ हिस्सा नॉन टैक्सेबल का है, तो एडवांस जो मिला है वो टैक्सेबल का होगा या नॉन टैक्सेबल का? ऐसे कैसे बोल दोगे टैक्सेबल का? SSC बोलेगा नॉन टैक्सेबल का है. और बोलो, ऐसे कैसे बोल दोगे नॉन टैक्सेबल? इनकम सर्विस टैक्स वाले बोलेंगे टैक्सेबल का है. तो दोनों का है. किसका है? उस पोर्शन को हमें अलग करना है. 210,000 में अगर एडवांस मिला है 60,000, 210,000 में नॉन टैक्सेबल है 70,000. कितना है? 70,000. तो 60,000 में कितना होगा? 20,000. यानी एडवांस रिसीव्ड रिलेटिंग टू टैक्सेबल पोर्शन. हाँ, या ना, रिलेटिंग टू टैक्सेबल सर्विसेज कितना होगा? 60,000 माइनस 20,000. क्योंकि 210 में इतना माफ था तो इसमें से कितना माफ होगा? यानी जो बाकी बचा वो टैक्सेबल सर्विस का होगा 40,000. टैक्स लाइबिलिटी 40,000 का 12.36% बताएं. बोलो भाई. 4944 रुपीज. डेट ऑफ पेमेंट बता सकते हो? अगर सितंबर में मिला है तो 5 अक्टूबर. याद आया? नहीं,
जिस महीने का होता है उसके अगले महीने की 5 तारीख को हमें पेमेंट करना होता है, लेकिन अगर इलेक्ट्रॉनिकली है तो 6 तारीख। ठीक है, सितंबर का हमें पैसा जमा करना पड़ेगा सर्विस टैक्स का, अक्टूबर की 5 तारीख तक। सितंबर में जितना भी कलेक्शन होगा उसका पेमेंट हम कब करेंगे? 5 अक्टूबर को। पूरे सितंबर में जितना भी सर्विस टैक्स लायबिलिटी बनेगी पेमेंट कब करनी पड़ेगी? 5 अक्टूबर में। और अगर ई फाइलिंग ई पेमेंट है तो 6 तारीख। और अगर अक्टूबर में जितना मिला है सबका पेमेंट कब करेंगे? 5 नवंबर को। और अगर ई पेमेंट है तो 6 नवंबर को। क्लियर है? समझ में आया? ये तो हमने इसकी बात की, नोट करना है तुरंत नोट करें, तो हम फिर बाकी की बात करते हैं। चले, हटाए, हटा रहे क्वेश्चन, हटा रहे। इधर देखें, छोड़ दें इधर। 1 लाख देखें इधर, 2 10 में से 60 हटा दें, 1,40,000 आ रहा है। 2 10 में से 60 हटाएंगे, 1,40 आएगा। वही हम भी शॉक्ड हो गए कि हमारा कैलकुलेशन गड़बड़ है क्या। वाह रे वाह बेटा, 2 10 में से 60 जाता है, 1,50 आता है। हम भी शॉक्ड हो गए, कुछ हमारा कैलकुलेशन लग रहा है आज मिस्टेक हो गया। इधर देखें, टोटल जो टैक्सेबल पोर्शन था वो कितना था? 2 10 में से 70 गया 1,40, 2 10 में से 70 गया 1,40, यानी टैक्सेबल पोर्शन कितना था? 1,40। 1,40 पे 40,000 पर ऑलरेडी टैक्स लग चुका है। 1,40 में से 40,000 पर ऑलरेडी हम लोग टैक्स लगा चुके हैं। बाकी कितने पर टैक्स लगाना बाकी है? 1 लाख पर। अब जब 1 लाख की बात करेंगे तो टैक्स कब लगेगा? पीओटी देखना है, सुन लो इधर। 1 लाख का पीओटी देखना है, आखिर मैंने सर्विसेज कब कंप्लीट की? फरवरी 2014 में। मान लेते हैं जिस समय बिल लिखा गया उस समय मैंने सर्विसेज भी कंप्लीट की। क्या सर्विसेज कंप्लीट करने के 30 दिन के अंदर इनवॉइस इश्यू हुआ है या नहीं? हाँ, वही तो मैंने बोला, जिस दिन बिल लिखा है मैंने मान लिया कि सर्विसेज कंप्लीट की, सर्विसेज कंप्लीट के 30 दिन के अंदर बिल लिख दिया गया है, क्या दिक्कत है? बोलो भाई, यही तो मैंने माना कि क्या सर्विसेज कंप्लीट हुई हैं? हाँ। सर्विसेज कब कंप्लीट हुई हैं कहीं दिया है क्वेश्चन में? नहीं। तो मान लेंगे बिल वाले डेट में हमारी सर्विस कंप्लीट हुई, बिल तब लिखेंगे जब सर्विस कंप्लीट हुई। तो ये मानते हुए कि सर्विस वाली डेट जब कंप्लीट हुई है तो उसी समय बिल भी लिखा गया, तो 30 दिन के अंदर ही लिखा गया होगा। और डेट ऑफ कंप्लीशन ऑफ सर्विसेज के 30 दिन के अंदर बिल, तो डेट ऑफ इनवॉइस और डेट ऑफ पेमेंट, विच एवर इज अर्लियर, दोनों में से क्या पहले है? बोलते क्यों नहीं तुम लोग? फरवरी 2014। तो पीओटी क्या आ जाएगा? फरवरी 2014। और डेट ऑफ पेमेंट क्या हो जाएगी? 5 मार्च 2014। क्लियर हुआ? हटाएं हम इसको, आंसर लिखते हैं। फरवरी 2014, बैलेंस ऑफ रुपीज 1 लाख वुड बी टैक्सेबल, कॉज डेट ऑफ इनवॉइस
फरवरी 2014, डेट ऑफ पेमेंट मार्च 2014 एंड कंप्लीशन ऑफ सर्विस। मान लेते हैं ना फरवरी 2014 जब कुछ नहीं दिया हो तो बोलो ना, तो इन दोनों में से जो अर्लियर, ठीक है ना। तो डेट ऑफ पॉइंट ऑफ टैक्सेशन हो जाएगा फरवरी 2014, टैक्स लायबिलिटी 1,00,000 का 12.36%, तो 12,360 आया ना। डेट ऑफ पेमेंट कैप क्या आ जाएगा, डेट ऑफ पेमेंट ऑफ सर्विस टैक्स 5 मार्च 2014, दिस इज योर आंसर, डेट ऑफ पेमेंट ऑफ टैक्स। समझ में आई बात? क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 देखें। हाँ जी, क्या दिक्कत आ रही है बताएंगे? कहाँ मैंने 5-10 लिखा है? मार्च 2014। क्वेश्चन नंबर 4 देखें। डिटरमाइन द पॉइंट ऑफ टैक्सेशन इन द फॉलोइंग केसेस। देखें इधर, डेट ऑफ कंप्लीशन ऑफ सर्विस है 10 अप्रैल और डेट ऑफ इनवॉइस है 5-5। बताएं 10 अप्रैल के बाद 5-5 30 दिन के अंदर आता है या नहीं? देखें अगला क्वेश्चन, बाद में नोट करना। 10 अप्रैल के बाद 5-5 30 दिन के अंदर आता है या नहीं? आता है, तो इसका मतलब डेट ऑफ इनवॉइस और डेट ऑफ पेमेंट विच एवर इज अर्लियर, तो कौन सी डेट लोगे, 5-5 या 20-5? देखें आंसर आ गया है नीचे 5-5, कोई दिक्कत? आगे आते हैं, 10th अप्रैल से लेकर 5-5 डेट ऑफ इनवॉइस है 5-5, क्या 30 दिन के अंदर है? है, तो 5-5 और 25-4 में से दो जो पहले हो। देखें आंसर आ गया नीचे 25-4। आगे चले, 10 अप्रैल और 5-5 क्या 30 दिन के अंदर है? है, तो 5-5 और 25-4 में कौन सा पहले है? 25-4, तो फर्स्ट पार्ट आपका टैक्सेबल हो जाएगा 25-4 को। फिर सेकंड पार्ट की बात करते हैं, 5-5 और 20-5 में कौन पहले है? तो 5-5, बाकी पार्ट के लिए 5-5, ठीक है। नेक्स्ट देखें, 10 अप्रैल और 5-5 क्या 30 दिन के अंदर है? है, तो 5-5 और 6-4 में क्या पहले है? 6-4, तो पहला पार्ट वहां टैक्सेबल हो जाएगा। 5-5 और 1-5 में कौन पहले है? 1-5, बाकी पार्ट वहां टैक्सेबल हो जाएगा। क्लियर हो गया? देख लें एक बार इसको। क्वेश्चन नंबर 4 के बाद आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 5, पेज नंबर 37 देखें। चलें, अ सर्विस बिकम टैक्सेबल विद इफेक्ट फ्रॉम 1st जुलाई 2013। ढंग से सुनना, द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। 1 जुलाई 2013 को सर्विस टैक्स पे फर्स्ट टाइम ये सर्विस टैक्सेबल हुई है। डिटरमाइन इन द फॉलोइंग केसेस, पीओटी रूल्स बताने हैं। 1 जुलाई से पहले अगर मैंने ये डेट ऑफ टैक्स, नेट ऑफ टैक्स जब इसको लाया गया, इसके पहले क्या मैंने इनवॉइस
प्लस पेमेंट ले लिया है तो माफ, या दूसरा केस, इसके पहले अगर मैंने पेमेंट ले लिया है और इसके बाद विद इन अ 14 डेज मैंने इनवॉइस रेज कर दिया है तो भी माफ। ये दो केसेस हैं या नहीं? चलो जरा देखें, 25/6 को हमने 1,00,000 रुपए का इनवॉइस इशू किया है, 25/6 यानी इसके पहले, हाँ या ना, 1,00,000 का इनवॉइस, और पेमेंट रिसीव किया है 26/6 को 1,00,000 का, 26/6 को यहीं पर 1,00,000, माफ है या नहीं? दोनों कंडीशन पूरी हो गई तो माफ हो गया, इनवॉइस भी पहले ही हो गया, पेमेंट भी पहले ही मिल गई, तो कोई हिसाब किताब नहीं, आंसर देख लेंगे आप लोग, नॉट टैक्सेबल। पॉइंट नंबर टू, 25/6 को 1,00,000 रुपए का, ये देखें 25/6 को यानी इसके पहले इनवॉइस इश्यू हो गई, इधर देखें, और 26/6 को मैंने 60,000 रुपए का पेमेंट रिसीव किया, यानी यहां पर 60,000, इसका मतलब बाकी मैंने पेमेंट इसके बाद रिसीव किया होगा, तो बेटा पेमेंट जब भी बाद में रिसीव करोगे ना तो टैक्सेबल हो जाएगा, तो 40,000, क्योंकि इनवॉइस इशू करने के लिए बात का समय है, पेमेंट रिसीव करने के लिए बात का समय नहीं है, तो 40,000 टैक्सेबल हो जाएगा, हाँ या ना, क्लियर है? देख लेंगे आंसर। थर्ड पॉइंट देखें, 25/6 को मैंने 60,000 का इनवॉइस इशू किया, इधर देखें, ये 60,000 का इनवॉइस इशू किया है, और 26/6 को मैंने 1,00,000 रुपए रिसीव कर लिया यहां, यानी दोनों हो गया पहले, केवल 40,000 का इनवॉइस इशू करना है, अगर मैं इसको 14 दिन के अंदर कर दूं तो भी 40,000 का माफ हो जाएगा, यानी बाकी 40,000 का माफी अगर चाहिए तो आपको इस डेट के बाद 14 दिन के अंदर 15 जुलाई के अंदर इनवॉइस इशू कर देना है 40,000 का, अगर नहीं करेंगे तो टैक्सेबल हो जाएगा 40,000। नीचे देख लेंगे आप, क्लियर है, हो गया ये भी, आगे चलें, कोई दिक्कत हो तो बोलो। लिखा हुआ है 24/6 को मैंने 1,00,000 का इनवॉइस रेस कर दिया, इसके पहले ही 1,00,000 का इनवॉइस रेस कर दिया, और 20/6 को 1,00,000 रुपए रिसीव कर लिया, ये भी पहले ही हो गया, माफ है। अच्छा, 3 जुलाई को, 3 जुलाई सुनो ना इधर, इनवॉइस 14 दिन के अंदर हो गया, 3 जुलाई को 1,00,000 का, और 30/6 को पैसा पहले ही ले लिया तो भी माफ है, कोई दिक्कत नहीं है, आया ना, आगे चलो। 24 जुलाई को, इधर देखो, क्या 15 दिन के अंदर है तो सोचना ही नहीं है, पेमेंट मिला या नहीं मिला तब तो बाकी बात ही ना करो, 14 दिन के अंदर इनवॉइस इशू ही नहीं है तो टैक्स लगा दो 1,00,000 पे। आपका क्वेश्चन नंबर 5 इज ओवर। अगर कंसेप्ट ढंग से समझ में आ गए कोई भी क्वेश्चन टफ नहीं है, अगर नहीं समझ में आया तो बेटा रट्टा मारते रहो, कुछ होने वाला है नहीं। चले आगे, रूल नंबर 8, द मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट पॉइंट, जहां बच्चे आराम से फंस सकते हैं। चले, रूल 8, जहां पर हमको रॉयल्टी मिलती है, मैंने कॉपीराइट, ट्रेडमार्क, पेटेंट अपना किसी को दे दिया कि बेटा यूज करो और जितना काम करोगे उसका पैसा हमको देते जाना, तो सामने वाला काम करेगा हमको पैसा देगा, उसके लिए रूल बना हुआ है, क्या डिफिकल्टी आई कि हमको ये रूल बनाना पड़ा, वो क्या प्रॉब्लम हमने फेस की, जरा देखें। रूल 8 अप्लाइज वेयर इन केस ऑफ रॉयल्टी एंड पेमेंट्स पर्टेनिंग टू कॉपीराइट, ट्रेडमार्क, डिजाइन और पेटेंट द होल अमाउंट ऑफ द कंसिडरेशन फॉर द प्रोविजन ऑफ सर्विस इज नॉट एसर्टेनेबल एट द टाइम व्हेन सर्विस वॉज परफॉर्म। हमने कितने की सर्विस दी है ये तुरंत नहीं पता कर सकते, ये कब पता चलेगा, एक टाइम कंप्लीट होने के बाद, काउंटिंग जब होती है, ठीक है, हम वो डायरेक्ट नहीं दे रहे, सामने वाले को मैंने कोल माइंस दे दी, बेटा निकालो ये कोल माइन मेरी है तुम निकालो, हमको बस पेमेंट देते रहना हर एक टन पर, तो ये कोल माइन यूज कर रहा है, क्या मैं डेली जाकर देखूंगा क्या, अगर इतना ही टाइम था तो देख लेते खुद ही कर लेते, हाँ या ना, मैंने तो इसको दे दिया वो सर्विस, अब वो सर्विस टैक्सेबल हो गई, जरा ढंग से देखो। And subsequently, the use or the benefit of these services by a person other than the provider gives rise to any payment of consideration. ठीक, बाद में इकट्ठे सामने वाला हमको पेमेंट दे रहा है कि मैंने इतना आपके कोल माइंस में से कोल निकाले, आपकी इतनी रॉयल्टी बनी। In such a case, the service shall be treated as having been provided when a payment is received
और एन इनवॉइस इज इश्यूड, बिल्कुल नॉर्मल केस आ गया। यानी यहां पर हम लोग ये नहीं देखेंगे, क्या नहीं देखेंगे, 30 दिन के अंदर और 45 दिन के अंदर वाला केस, नॉर्मल केस है, डेट ऑफ इनवॉइस और पेमेंट विच एवर इज अर्लियर, बात खत्म। हाँ या ना? यानी रॉयल्टीज वगैरह के केस में हम लोग को 30 दिन और 45 दिन का कोई झंझट नहीं है कि प्रोविजन कंप्लीट सर्विस होने के 30 दिन के अंदर इनवॉइस इशू हुआ या नहीं हुआ, इस केस में नहीं एप्लीकेबल होगा। यहां पर सीधे यही रूल लगेगा, पॉइंट ऑफ टैक्सेशन रूल विल बी, या पॉइंट ऑफ टैक्सेशन विल बी द डेट ऑफ इनवॉइस और द डेट ऑफ पेमेंट विच एवर इज अर्लियर। नीचे क्वेश्चन दिया हुआ है, जरा ढंग से देखें, इलस्ट्रेशन नंबर 6 दिया है। कीर्ति लिमिटेड इज द ओनर ऑफ अ कोल माइन इन बिहार। इट ऑप्टेंड अ पेटेंट फ्रॉम द कंसर्न्ड कॉम्पिटेंट अथॉरिटीज इन रिलेशन टू अ फॉरगोइंग कोल माइंस इन फरवरी 2012। फरवरी 2012 में इसको अधिकार मिला, कीर्ति लिमिटेड को क्या मिला, राइट मिल गया। एंड फर्दर द कंपनी हैज एंटर्ड इनटू एन एग्रीमेंट विद एबीसी, यानी कीर्ति ने किसके साथ एग्रीमेंट किया, एबीसी के साथ। इन अप्रैल 2012, डेट ऑफ एग्रीमेंट कब है, अप्रैल 2012, फॉर अलाउिंग द लेटर पार्टी, लेटर यानी इस पार्टी को, एबीसी को, टू एक्सट्रैक्ट कोल फॉर द नेक्स्ट 3 ईयर्स, 3 साल तक कोयला निकालने का इसको परमिशन दिया है। द कंसिडरेशन पेबल फॉर यूजिंग द कोल माइन हैज बीन फिक्स्ड एट द रेट ऑफ 1000 पर टन। और एबीसी इसको जो कंसिडरेशन देगा या सर्विस रिसीवर, जो सर्विस प्रोवाइडर को देगा, 1000 रुपये पर टन के हिसाब से पेमेंट करेगा। जरा देखें इधर, द क्वांटम ऑफ कोल एक्सट्रैक्टेड बाई एबीसी लिमिटेड एंड अदर रेलिवेंट डिटेल्स आर एज फॉलोज। इसने बताया कि ईयर 2012-13 में इसने 2000 टन कोल निकाला है और कंसिडरेशन कितना हुआ, 20 लाख रुपए देना पड़ा। यानी इसके हाथ में टैक्सेबल सर्विस कितनी आ गई, 20 लाख रुपए इसको मिल गया। अब यह बताना है इस 20 लाख रुपए पर जो टैक्स बनेगा वो पॉइंट ऑफ टैक्सेशन क्या है। तो हम लोग को अच्छी तरह मालूम है डेट ऑफ नो इनवॉइस या डेट ऑफ पेमेंट विच एवर इज अर्लियर। तो 5 जुलाई और 26 अगस्त में पहले कौन है, तो पीओटी हो जाएगा 5 जुलाई 2013। दिस इज योर आंसर, क्या दिक्कत है क्या? अच्छा, यहां पर इसने 3000 टन निकाले 13-14 में और 30 लाख रुपए की इसके हाथ में टैक्सेबल सर्विस आ गई। इसको जो टैक्स लायबिलिटी पे करनी है उसके लिए पॉइंट ऑफ टैक्सेशन क्या होगा, 13 अप्रैल और 3 अप्रैल जो दोनों में से पहले हो। तो तुम लोगों को तो मालूम ही है ना, क्या सोचना ज्यादा है क्या, इसमें बोलते क्यों नहीं। थर्ड देखो, 4000 टन कोयला निकला है 14-15 में और 40 लाख सर्विस टैक्स इसके पास आ गई, टैक्सेबल सर्विस, 11 अप्रैल या 20 जुलाई आंसर आ गया। लास्ट रूल है जो हम लोग को देखना है, रूल 8A दिया हुआ है ऊपर, दिया ये रेजिड्यूरी रूल है, ब्रैकेट में लिख लो नीचे, रेजिड्यूरी रूल, रेजिड्यूरी रूल। क्या कहता है ये रेजिड्यूरी रूल, रूल 8A इज द रेजिड्यूरी रूल टू डिटरमाइन द पॉइंट ऑफ टैक्सेशन बाय वे ऑफ बेस्ट जजमेंट टू हैंडल सिचुएशन वेयर द टैक्स पेयर यानी एसएससी इज अनेबल टू फर्निश वन और मोर ऑफ द डिटेल्स नीडेड, डेट ऑफ पेमेंट, डेट ऑफ इनवॉइस, बोथ टू डिटरमाइन पॉइंट ऑफ टैक्सेशन, समझ में नहीं आ रहा उसको डेट ऑफ पेमेंट क्या है, डेट ऑफ इनवॉइस क्या है, नहीं समझ में आ रहा, बहुत ज़्यादा डिफिकल्टी है, क्लियर कट मैटर नहीं मिल रहा, तो उस केस में कैसे जजमेंट होगा, जरा नीचे देखें। वेयर द पॉइंट ऑफ टैक्सेशन कैन नॉट बी डिटरमाइंड, हाँ या ना, द सेंट्रल एक्साइज ऑफिसर इफ डीम्स नेसेसरी एंड आफ्टर टेकिंग इनटू अकाउंट द मटेरियल फैक्ट्स एंड इफेक्टिव रेट ऑफ टैक्स रेट प्रिवेलेंट एट डिफरेंट पॉइंट ऑफ टाइम शैल बाई एन ऑर्डर टू राइटिंग आफ्टर गिविंग एन अपॉर्चुनिटी ऑफ बींग हर्ड डिटरमाइन द पॉइंट ऑफ टैक्सेशन टू द बेस्ट ऑफ हिज जजमेंट, दैट्स इट। यानी सेंट्रल एक्साइज ऑफिसर, सर्विस टैक्स ऑफिसर तो होता भी नहीं है क्योंकि कोई अथॉरिटी है ही नहीं, मैंने पहले भी बताई है, तो सेंट्रल एक्साइज ऑफिसर को अंडरलाइन कर ले। तो सेंट्रल एक्साइज ऑफिसर को यह राइट दिया गया है कि बेस्ट ऑफ हिज जजमेंट करे, फैक्ट्स को ध्यान में रख करके, हवा हवा ही नहीं। ऐसा भी नहीं कि सामने वाले को जहां दिक्कत हो वहीं पर पॉइंट ऑफ टैक्सेशन रखो, बेस्ट जजमेंट का होता है रैशनल बेसिस पर
डिसीजन लेना। तो हम लोगों ने पॉइंट ऑफ टैक्सेशन के सारे रूल्स देख लिए, सारे न्यूमेरिकल्स देख लिए, अब हम लोग क्या देखेंगे, क्या देखेंगे? रूल 7 नहीं देखेंगे, वैल्यूएशन देखेंगे। इधर देखें, इधर देखें, हम लोग टैक्स रेट देख चुके हैं 12.36% नेट आता है इफेक्टिव टैक्स रेट। हम लोगों ने पीओटी रूल्स देख लिए कि वो डेट कौन सी है जिस पर हमें टैक्स रेट मल्टीप्लाई करना है। अब हमें बेटा जरा ये भी तो बता दो कितनी वैल्यूएशन लेंगे, आखिर वैल्यूएशन पर ही, इस डेट पर जो वैल्यूएशन आएगी उसी पर ही तो टैक्स रेट का मल्टीप्लाई करोगे, हाँ या ना? तो हम लोगों ने देख लिए वैल्यूएशन रूल्स, हम लोगों ने देख ली डेट, अब क्या देखना बाकी रह गया है? वैल्यूएशन, ठीक है ना? तो हम लोग वैल्यूएशन ऑफ टैक्सेबल सर्विस, हमने तुम्हें सर्विस प्रोवाइड की कितनी वैल्यू लेंगे, असाइनमेंट भी दिया मैंने, असाइनमेंट की कॉस्ट घटाएंगे या नहीं, पार्किंग का भी मैंने चार्ज किया उसका लेस होगा या नहीं, मैंने पार्किंग का अलग रिकॉर्ड रखा, फीस का अलग रिकॉर्ड रखा, दोनों जोड़ कर लेंगे या अलग अलग करके लेंगे? मैं बहुत कंफ्यूज्ड हूं और मैं कंफ्यूज कर भी सकता हूं सर्विस टैक्स डिपार्टमेंट को, हाँ या ना? क्यों भाई? तो कहा गया ना, आपको वैल्यूएशन ऑफ टैक्सेबल सर्विस पर जाना होगा वैल्यूएशन के लिए, आपको वो रूल्स फॉलो करने होंगे। अब वहां पर भी रूल्स, पीओटी रूल्स तो था ही था, अब देखो यहां पर एक मैंने नीचे लिख रखा है, इधर देखें, सर्विस टैक्स डिटर्मिनेशन ऑफ टैक्सेबल वैल्यू ऑफ सर्विसेज रूल्स 2006, तो सर्विस टैक्स डिटर्मिनेशन ऑफ वैल्यू रूल्स 2006, इसके भी रूल्स पढ़ने पड़ेंगे, ठीक है ना? सेक्शन 67 स्टार्ट होता है वैल्यूएशन के लिए। सुनो, अब मैंने बच्चे से कहा मुझे फीस दो, बच्चे ने या तो मुझे कैश दिया, कोई प्रॉब्लम नहीं, गेहूं ला कर दे दिया, तो उसकी कितनी वैल्यू, उसकी कितनी वैल्यू, यही सब बता रहा है सेक्शन 67। सेक्शन 67 कहता है कंसीडरेशन इन टर्म्स ऑफ मनी, इट वॉन्ट क्रिएट एनी प्रॉब्लम, द सम ऑफ द मनीज, जो भी पैसे मिले हैं उनका सम कर लो, आपको पता चल जाएगा वैल्यूएशन। इफ द कंसीडरेशन फॉर अ टैक्सेबल सर्विस इज इन टर्म्स ऑफ मनी, द वैल्यू ऑफ सच सर्विस शैल बी द ग्रॉस अमाउंट चार्ज, अंडरलाइन कर लें ग्रॉस अमाउंट चार्ज, बहुत टेंशन वाली बात है सर, ये ग्रॉस अमाउंट का मतलब क्या है? ग्रॉस अमाउंट चार्ज बाय द सर्विस प्रोवाइडर फॉर सच सर्विसेज प्रोवाइडेड और टू बी प्रोवाइडेड, जो बार बार आया है टू प्रोवाइडेड और टू बी प्रोवाइडेड। कंसिडरेशन नॉट होल्ली नॉर पार्टली इन टर्म्स ऑफ मनी, यानी कि कुछ ना कुछ अदर देन मनी मिला है, गेहूं मिल गया, कुछ आधा पैसा दिया, आधा सामने वाले ने क्या दे दिया, चावल दे दिया। इफ द कंसिडरेशन फॉर अ टैक्सेबल सर्विस इज नॉट होल्ली और पार्टली इन टर्म्स ऑफ मनी, देन द वैल्यू ऑफ सच सर्विस शैल बी सच अमाउंट इन मनी प्लस, मनी वाला जोड़ लो, प्लस कर दो वैल्यू ऑफ नॉन मॉनिटरी कंसिडरेशन प्लस सर्विस टैक्स विद द एडिशन ऑफ सर्विस टैक्स चार्ज इज इक्वलेंट टू द कंसिडरेशन। क्लियर है? यानी जो आपने हमें सामान दिया उसका भी कंसिडरेशन जोड़ दो, उसकी भी वैल्यू ऐड कर लो, जो पैसा मिला वो तो लोगे ही लोगे, प्लस जैसे मैंने अपने किराएदार को कहा कि ये जो कॉमर्शियल प्रॉपर्टी है ये 20,000 रुपये रेंट पर है पर मंथ, ठीक है ना? किराएदार ने हमको हर महीने 20,000 दिया होता तो सालाना कितना दिया होता? उसने क्या कहा, उसने कहा आप मेरा जनरेटर यूज कर लो, उल्टा उसने कहा, और हम आपके किराए में से 5,000 माइनस कर देंगे, यानी अब वो हमें किराया देगा 15,000 का और 5,000 का मैं उसका जनरेटर यूज कर रहा हूं। बात समझ में आई? इन टोटालिटी आई एम जस्ट गेटिंग रुपीज 20,000, 15,000 कैश दे रहा है और 5,000 जनरेटर जो मैं उसका यूज कर रहा हूं, तो मुझे सर्विस टैक्स कितने पर देना चाहिए, 20,000 पर 15,000 पर? बोलो भाई, 20,000 पे, 15,000 जो हमें कंसीडरेशन इन मनी मिला है प्लस अदर देन मनी मिला है,
उसकी भी वैल्यू जोड़ लेंगे। आगे देखो, कंसिडरेशन नॉट एसर्टेनेबल, कंसिडरेशन जब एसर्टेन न किया जा सके। सुनो, किराएदार ने कहा 20,000 रुपये भी वो हमको हर महीने देता है और मुझे जब भी जरूरत पड़ती है मैं उसकी कार यूज करता हूँ, मुझे जब भी जरूरत पड़ती है, मैंने उसको कहा मैं देख जब भी जरूरत पड़ेगी कार यूज करूंगा तेरी। अब बताओ वो कार किराए पर उठाता तो उसको कुछ ना कुछ पैसा मिलता, अब वो कार मैं उसकी यूज कर रहा हूँ, इसका मतलब मैं उसको पैसा तो दे नहीं रहा कार यूज करने का, किराया तो मुझे 20,000 मिल रहा है, तो क्या मुझे केवल 20,000 मिल रहा है या उसके ऊपर भी कुछ मिल रहा है? केवल मुझे 20,000 मिल रहा है या उसके ऊपर से कुछ मिल रहा है? ऊपर से भी कुछ मिल रहा है, हाँ या ना। When the consideration is not as ascertainable, जब हम उसको as certain न कर पाए, निश्चित न कर पाए। If the consideration for a taxable service is not ascertainable, the value of such services shall be the amount as may be determined in the prescribed manner. मैंने तुम लोग को इनकम टैक्स में भी पढ़ाया था, बताया था, prescribed manner जब भी वर्ड लिखा रहे, रूल्स पे चले जाओ, prescribed manner को अंडरलाइन कर लो और लिख लो ब्रैकेट में go to rules, और नीचे रूल्स तो बने हुए हैं, उसी के लिए रूल्स बने हुए हैं। जब आप सर्विस टैक्स की वैल्यूएशन, सर्विस टैक्स के सर्विस का अमाउंट का वैल्यूएशन न कर पाएं, टैक्सेबल सर्विस की कैलकुलेशन न कर पाएं, उसकी वैल्यूएशन न निकाल पाएं, तो आप कहाँ जाओगे? रूल्स में जाएंगे। वेयर द ग्रॉस अमाउंट चार्ज इज इंक्लूसिव ऑफ सर्विस टैक्स पेबल, ये मैं पहले भी बता चुका हूँ। सुनो, मैंने आपके ऊपर सीधे सीधे 20,000 रुपये का बिल चढ़ाया, आपके ऊपर मैंने इनवॉइस काटी 20,000 प्लस सर्विस टैक्स अलग से 12.36%, तब तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मैंने ये लिखा ही नहीं, तो इसका मतलब क्या है? इस 20,000 रुपये में ऑलरेडी सर्विस टैक्स भी शामिल है, तो ये हो जाएगा 112.36 के बराबर, 12.36 अलग कर लो, ये 100 अलग हो जाएगा, हाँ या ना। तो इफ इट इज इक्वल टू 112.36 देन वॉट इज द वैल्यू ऑफ द सर्विस टैक्स? क्लियर हुआ? तो इंक्लूसिव ग्रॉस अमाउंट चार्ज इफ इट इंक्लूड्स द अमाउंट ऑफ सर्विस टैक्स, तो इसका फंडा ये है अलग करने का, मैं पहले भी पढ़ा चुका हूं इसको। नीचे देखे, द ग्रॉस अमाउंट चार्ज फॉर द टैक्सेबल सर्विस शैल इंक्लूड एनी अमाउंट रिसीव्ड टुवर्ड्स द टैक्सेबल सर्विस ईदर बिफोर और ड्यूरिंग और आफ्टर द प्रोविजन ऑफ सच सर्विस। ग्रॉस अमाउंट का मतलब होता है हम आज आपको सर्विस दे रहे हैं, कुछ बच्चों ने हमें पहले फीस दे दी है, कुछ बच्चे आज देंगे और कुछ बच्चे कल देंगे, तो मेरे लिए ये बच्चा हमको कुछ दे चुका है, कुछ आज देगा और कुछ कल भी देगा, तो मेरे लिए ग्रॉस अमाउंट कितना होगा? तीनों को जोड़ लें या केवल जो मिलेगा वो? तीनों को जोड़ लें, तो यही तो बताया गया है। तो ग्रॉस अमाउंट का मतलब है कि द ग्रॉस अमाउंट चार्ज फॉर द टैक्सेबल सर्विस शैल इंक्लूड एनी अमाउंट रिसीव्ड टुवर्ड्स द टैक्सेबल सर्विस ईदर बिफोर और ड्यूरिंग और आफ्टर द प्रोविजन ऑफ सच सर्विस। क्लियर हुआ? ग्रॉस अमाउंट का मतलब क्या लेंगे? ऊपर भी हमने अंडरलाइन करवाया था ग्रॉस अमाउंट चार्ज, ग्रॉस अमाउंट चार्ज, ग्रॉस अमाउंट चार्ज का मतलब क्या है? देखिए, समझ में आ गया है, दिक्कत नहीं आएगी, चार लाइनें पढ़ लेते हैं तुरंत खत्म हो जाएगा। इनक्लूड्स पेमेंट बाय चेक, इनक्लूड्स पेमेंट बाय क्रेडिट कार्ड, इनक्लूड्स डिडक्शन फ्रॉम अकाउंट। ओहो, वही जनरेटर वाला 5,000। एंड एनी फॉर्म ऑफ पेमेंट बाई इशू ऑफ क्रेडिट नोट और इशू ऑफ डेबिट नोट्स एंड बुक एडजस्टमेंट, किसी भी तरह से एडजस्टमेंट करो। तुम, हमने तुमको किराए पर मकान दिया, 20,000 मुझे तुमसे चार्ज करना था, गवर्नमेंट को मैंने बताया ही नहीं कि मुझे 20,000 चार्ज करना था। सुनना, तुमने मेरे भाई को, मेरे घर के किसी मेंबर को इंटरेस्ट फ्री लोन दे दिया, क्या? या तुमने कहा तुमको वहां से इंटरेस्ट कितना मिलना है? 8,000। मेरे भाई से तुमको इंटरेस्ट कितना मिलना है? 8,000। और तुमसे मुझे कितना पैसा मिलना है? 20,000। तो तुम क्या कर रहे हो? चलो 12,000 ले दे करके हिसाब किताब बराबर कर लेते, मैं भी तैयार हो गया, वो मेरा भाई है, मैं भी तैयार हो गया। तो ग्रॉस अमाउंट क्या है? 20,000। क्लियर हुआ? तो कोई भी डिडक्शन आप करेंगे, बुक में एडजस्टमेंट करेंगे, डेबिट नोट इश्यू करेंगे, क्रेडिट नोट इश्यू करेंगे, बेटा कुछ होने वाला है नहीं। मैंने एक डॉक्टर को दे दिया है अपना घर किराए पर, उसको हम अपने दांत कान दिखाते रहते मतलब दांत दिखाने का मतलब तो वो वाला नहीं, मतलब दांत में प्रॉब्लम होगी तो दांत दिखाते रहेंगे उसको, तो वो हमसे फीस नहीं लेता, तो वो भी जोड़ दो ना। और वो एसर्टेनेबल तो है नहीं,
और ना ही मैं सरकार को जाकर बताऊंगा मैंने उसको दांत दिखाए थे, यही कि नहीं? सरकार को कैसे पता चलेगा कि आपने दांत दिखाए नहीं? लेकिन सरकार हम लोग को मानकर चलती कि आप दर ईमानदार आदमी हो, आप दांत दिखाओगे तो भी बताओगे। प्रैक्टिकली तो पॉसिबल नहीं है कि किसी को दांत दिखाएं और पता बताएं भी, है कि नहीं? चलें आगे। आपने कोई भी बुक एडजस्टमेंट कर दिया, सस्पेंस अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया, किसी भी तरह से एडजस्टमेंट हुआ बेटा, तो वो एडजस्टमेंट घटेगा नहीं। ग्रॉस अमाउंट का मतलब उन एडजस्टमेंट को लेकर के कंसीडर करते हुए आपका अमाउंट जोड़ा जाएगा, ठीक है ना? क्लियर है? सब्जेक्ट टू द अफोरमेंशनड प्रोविजन मेंशनड द वैल्यू ऑफ अ टैक्सेबल सर्विसेज शैल बी डिटरमाइंड इन सच अ मैनर एज मे बी प्रेस्क्राइब्ड, यानी रूल्स, और नीचे मैंने लिख रखा है सर्विस टैक्स डिटर्मिनेशन ऑफ वैल्यू रूल्स 2006। अब इन रूल्स को हमें ध्यान देना है, रूल्स की बात करनी है। बहुत आसान है, बहुत ही आसान है। रूल टू बी, सबसे पहले रूल ले आया गया मनी चेंजर के लिए। किसके लिए? मनी चेंजर, चार्जर नहीं, मनी चेंजर। जो आपसे डॉलर लेता है और आपको रुपीस देता है, ठीक, जो आपसे रुपीस लेता है और डॉलर देता है, आपसे येन लिया और यूरो दे दिया, डॉलर लिया और पौंड दे दिया, इसको हम कहते हैं मनी चेंजर। बीच में क्या होता है? कमीशन। बीच में क्या होता है? कमीशन। याद करो जब वो पहला दिन जब हमने तुम लोग पढ़ाया था ट्रांजैक्शन इन मनी, ट्रांजैक्शन इन मनी इज एक्सक्लूडेड फ्रॉम द सर्विसेज, याद आया? मैं तुम्हारे पास आया, मैंने कहा 500 का छुट्टा दे दो, अब उस पर सर्विस टैक्स लग जाएगा? नहीं ना। लेकिन अगर कमीशन के बेसिस पर वो काम किया गया है तो सर्विस टैक्स लग जाएगा, याद आया होगा? हम उसी की बात कर रहे हैं, हम यहाँ स्पेशली मनी चेंजर के फैसिलिटीज की बात कर रहे हैं, ठीक है ना? देखिए जरा, रूल टू बी प्रोवाइड्स द मैनर ऑफ डिटर्मिनेशन ऑफ द वैल्यू ऑफ टैक्सेबल सर्विसेज प्रोवाइडेड सो फॉर एज द सर्विसेज सो प्रोवाइडेड पर्टेंस टू परचेज और सेल ऑफ फॉरेन करेंसी इंक्लूडिंग मनी चेंजिंग द वैल्यू ऑफ सच सर्विसेज शैल बी डिटरमाइंड एज फॉलोज। देखो इधर दो केसेस बनेंगे। पहले केस में, मनी चेंजर के पहले केस में, किसी एक पार्टी के पास इंडियन करेंसी आ रही हो या जा रही हो, मैंने तुमसे डॉलर लिए तुमको रुपए दिए, तुमने हमको रुपए दिए और डॉलर लिए, दो में से किसी एक पार्टी, इधर पार्टी इज ट्रांजेक्ट इन टर्म्स ऑफ रुपीज, इंडियन रुपीज, किसी एक पार्टी के पास इंडियन करेंसी आ रही है या जा रही है, पहला केस। दूसरा केस, डॉलर दो पौंड ले जाओ, पौंड दो येन ले जाओ, येन लो पौंड दो, इस तरह से अगर कोई ट्रांजेक्शन है जिसमें इंडियन करेंसी नहीं है उसके लिए अलग है रूल, तो दोनों के लिए रूल अलग है, एक में इंडियन करेंसी आ रही है और एक में इंडियन करेंसी नहीं है, ठीक है ना? पहला केस देखते हैं। फॉर अ करेंसी, ढंग से सुनना, बहुत ही आसान है। फॉर अ करेंसी व्हेन एक्सचेंज फ्रॉम और टू, या तो लेना या देना इंडियन करेंसी का, द वैल्यू शैल बी इक्वल टू द डिफरेंस इन बाइंग रेट और द सेलिंग रेट। कोई दोनों में से एक होगा, या तो बाइंग रेट होगा या तो सेलिंग रेट होगा, या तो मैं खरीदूंगा या तो मैं बेचूंगा, तो बाइंग रेट और सेलिंग रेट माइनस, कोई एक होगा, कोई दोनों में से कोई एक रेट, अगर बाइंग रेट होगा तो बाइंग रेट माइनस आरबीआई का रेफरेंस रेट, सेलिंग रेट होगा तो सेलिंग रेट माइनस आरबीआई का रेफरेंस रेट, दोनों का डिफरेंस जो होगा वो हमारा क्या हो जाएगा? वैल्यू ऑफ सर्विस यानी कमीशन। आरबीआई ने रेफरेंस रेट दिया है 45 रुपए, हाँ या ना, और मैं सामान बेच रहा हूं 45 रुपए 50 पैसे, तो हम कितना कमा रहे हैं? 50 पैसे। और अगर $1,000 बेचे हैं तो 500 रुपए कमाए ना मैंने, ये होता है। अभी आएगा क्वेश्चन, चिंता ना करना, इस पर न्यूमेरिकल आएगा, क्लियर हुआ? यानी दो में से किसी एक पार्टी के पास इंडियन करेंसी आ रही हो या जा रही हो, तो बाइंग रेट माइनस आरबीआई का रेफरेंस रेट, सेलिंग रेट माइनस आरबीआई का रेफरेंस रेट मल्टीप्लाइड बाई नंबर ऑफ करेंसीज, क्लियर है?
वेयर द आरबीआई रेफरेंस रेट इज नॉट अवेलेबल, जब आरबीआई का रेफरेंस रेट अवेलेबल ना हो तो बहुत सिंपल है, 1% ले लो, जानते हो किसका, इंडियन रुपीस का, बात खत्म कर दो, जो भी इंडियन रुपीस हो जिस पार्टी के पास, मेरे पास पौंड आया तुम्हारे पास रुपीस आया तो तुम रुपीस का 1%, तुम्हारे पास पौंड आया मेरे पास रुपीस आया तो मेरे पास जो रुपीस है उसका 1%, क्लियर हुआ, बोलते क्यों नहीं, कितना सिंपल है ये। अच्छा दूसरा पॉइंट, वेयर नंबर ऑफ करेंसीज एक्सचेंज्ड, वेयर नीदर ऑफ द करेंसीज एक्सचेंज इन इंडियन रुपीज, इंडियन रुपीज तो है ही नहीं कहीं पर, पौंड आया येन गया, येन आया डॉलर गया, कुछ भी इंडियन करेंसी नहीं है दोनों तरफ, तो उस केस में है वेयर नीदर ऑफ द करेंसीज एक्सचेंज इज इंडियन रुपी द वैल्यू शैल बी इक्वल टू 1% ऑफ द लेजर ऑफ द टू अमाउंट, लेजर ऑफ द टू अमाउंट्स, जो दोनों में से कम अमाउंट होगी उसका 1% ले लेंगे, द पर्सन चेंजिंग द मनी वुड हैव रिसीव्ड बाई कन्वर्टिंग एनी ऑफ द टू करेंसीज इन टू इंडियन रुपीज ऑन द डे द रेफरेंस रेट प्रोवाइडेड बाई आरबीआई, इसका भी हम लोग न्यूमेरिकल देखेंगे, कुल कहने का मतलब जो भी दोनों में से कम होगी उसका 1%, क्लियर। रूल 3, ये रूल 2 भी था, हमने रूल 2 हटा दिया, कोई मतलब नहीं था इसलिए मैंने उसको वहाँ से स्किप कर दिया है, बिल्कुल हटा दिया, तुम लोग के मतलब का नहीं था, रूल 2 बी से मैंने स्टार्ट किया है, रूल 2 बी एंड रूल 3। रूल 3, मैनर ऑफ डिटर्मिनेशन ऑफ वैल्यू व्हेन सच वैल्यू इज नॉट एसर्टेनेबल, देखो ऊपर हम लोगों ने देखा था कि जब वैल्यू एसर्टेनेबल नहीं होती है, सेक्शन 67 का पॉइंट नंबर 3, सेक्शन 67 का पॉइंट नंबर 3 हम लोगों ने यही देखा था, जब वैल्यू एसर्टेनेबल ना हो तो गो टू रूल्स, अब देखो वो समय आ गया है, ऊपर हम लोगों ने जो रूल्स पढ़ा अभी अभी रूल 2 बी, वो तो मनी चेंजर के लिए स्पेशली बना हुआ था, मनी चेंजर को छोड़ दो तो बाकी केसेस में यही लगेगा। The value of taxable services where such value is not ascertainable shall be determined by the service provider in the manner described below. हाँ या ना? Subject to the provision of section 67 छोड़ दो. Value of similar services पहला. Value of similar services. एक बात बताओ. मैं बस चलाता हूँ. ड्राइवर हूँ मैं बस का. कंडक्टर हूँ. ये बैठा, इसने 100 रुपये मुझे दिया, इसको जाना है कहीं एक डेस्टिनेशन पर, इसको भी उसी डेस्टिनेशन पर जाना है, ये मेरा भाई है, कौन है ये, हाँ इससे मैंने पैसा नहीं लिया, अब बताओ टैक्सेबल सर्विस की वैल्यू बताओ, 100, मालूम है जब इससे 100 रुपये ले रहे हैं तो इससे भी लेना चाहिए, हाँ बोलो ना, या मैं कहता हूँ कि 10 रुपये मैंने लिए, फ्री सर्विसेज कभी भी टैक्सेबल नहीं होती, मैंने इससे 10 रुपये लिए, क्या लिए 10 रुपये लिए, लेने कितने चाहिए थे 100, ये रिश्तेदार है मेरा, कितना लिया 10, कैसे प्रूफ होगा, प्रूफ कर सकते हो नहीं, उसी के लिए बताया वैल्यू ऑफ सिमिलर सर्विसेज, जब एक ही सर्विसेज मैं कई लोगों को देता हूँ तो सिमिलर सर्विसेज तो अवेलेबल है ना, द वैल्यू ऑफ टैक्सेबल सर्विसेज शैल बी द इक्वलेंट टू द ग्रॉस अमाउंट चार्ज बाई द सर्विस प्रोवाइडेड टू द वैल्यू ऑफ टैक्सेबल टू एनी अदर सब्जेक्ट टू द फुलफिलमेंट ऑफ दीज टू कंडीशन सच सर्विस इन द ऑर्डनरी कोर्स ऑफ ट्रेड, ये मेरा नॉर्मल बिजनेस का हिस्सा है, द ग्रॉस अमाउंट चार्ज इज द सोल कंसिडरेशन, जो हम दूसरों से चार्ज करते हैं इससे 100 रुपया लेते हैं वो सोल कंसिडरेशन, ये 100 रुपये के अलावा कुछ और हमको बेनिफिट नहीं देता, दैट्स इट, यानी कि मेरे नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस का पार्ट है जो सर्विस हम चार्ज करने जा रहे हैं, दूसरा कि ये सोल कंसिडरेशन है, दैट्स इट, सोल कंसिडरेशन का मतलब अब इसके अलावा आपको कुछ भी नहीं मिला, ठीक। दूसरा, व्हेन वैल्यू ऑफ सिमिलर सर्विसेज कैन नॉट बी एसर्टेंड, मैंने इसको भी पढ़ाया, मैंने इसको भी पढ़ाया, इसको मैंने 2 महीना पढ़ाया, इसको मैंने 1.5 महीना पढ़ाया, सर्विसेज तो सेम है लेकिन सेम टाइप की नहीं है, मेरी बात समझना, दोनों में फर्क आ गया, उस समय कैसे कैलकुलेशंस होंगे, वेयर द वैल्यू कैन नॉट बी डिटरमाइंड इन अकॉर्डिंग विद अबव प्रोविजन द सर्विस प्रोवाइडर शैल डिटरमाइन द इक्विवेलेंट मनी वैल्यू ऑफ सच कंसीडरेशन, हाउएवर सच वैल्यू शैल इन नो केस बी लेस देन द कॉस्ट ऑफ प्रोविजन, तब अब यहां पर हमको बेस्ट जजमेंट निकालना पड़ेगा, भाई मैंने इसको कितने रुपए की सर्विसेज दी, पहली चीज, लेकिन जितने की सर्विसेज दी वो उसकी कॉस्ट से तो कम कभी नहीं हो सकती, भाई मैं सर्विस दूंगा तो कुछ प्रॉफिट लेकर के ना, हाँ है ना, अब मुझे गवर्नमेंट को टैक्स देना है 10,000 पे, मैं गवर्नमेंट को दिखा दूँ 8,000 रुपये पर क्योंकि अब मेरे ऊपर छोड़ दिया गया है, तो ऐसा नहीं हो सकता, आप उसकी कॉस्ट से कम पर सर्विस को तो आ ही नहीं सकते, कॉस्ट से अधिक ही रहेगा, कॉस्ट से कम नहीं होगा, न्यूमेरिकल आएंगे इसके भी, चिंता ना करें।
रूल फोर खत्म हो गया। नॉर्मल रूल जो था हम लोग को पढ़ना था वो खत्म। अब केवल कहानी है, स्टोरी है। अब तक हम लोगों ने क्या देखा कि जब सेक्शन 67 में कंसिडरेशन इन टर्म्स ऑफ मनी हो तो मनी के सम्स ले लो, कंसिडरेशन नॉट इन टर्म्स ऑफ मनी है तो उनकी वैल्यूज को जोड़ लो, एसर्टेनेबल नहीं है तो रूल्स पर चले जाओ। ग्रॉस अमाउंट का मीनिंग हम लोगों ने देख लिया, डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड अकाउंट में बुक एडजस्टमेंट करना, सस्पेंस अकाउंट के थ्रू ट्रांसफर करना, बुक एंट्रीज करना, ये सब देख लिया था। ग्रॉस अमाउंट चार्ज का मतलब इन सब एडजस्टमेंट को ऐड करके अकाउंट में से डिडक्शन हुआ वो सब नहीं लेंगे, कंसीडर नहीं करते हैं। चलो ये सब देख लिया हम लोगों ने ग्रॉस अमाउंट चार्ज। उसके बाद हम लोगों ने वैल्यूएशन रूल्स देखे, डिटर्मिनेशन ऑफ वैल्यू के रूल 2006, 2B देखा मनी चेंजर के लिए। अगर एक जगह किसी के पास रुपीज आ रहा है या जा रहा है तो बाइंग रेट माइनस आरबीआई का रेफरेंस रेट इंटू नंबर ऑफ करेंसीज, सेलिंग रेट माइनस आरबीआई का रेफरेंस रेट इंटू नंबर ऑफ करेंसीज, ये हमारा हो जाएगा सर्विस की वैल्यू। लेकिन अगर आरबीआई का रेफरेंस रेट अवेलेबल ना हो तो इंडियन करेंसी का 1%, 1%। चलो अगर नीदर ऑफ द करेंसीज आर नॉट बिलोंगिंग टू इंडियन करेंसी, यानी किसी के पार्टी के पास भी इंडियन करेंसी नहीं है, तो जो लोअर अमाउंट होगा उसका 1%, ठीक है। उसके बाद हम लोगों ने रूल 2B के बाद रूल 3 देखा था। रूल 3 में हम लोगों ने क्या देखा कि जहां पर वैल्यू एसर्टेनेबल ना हो, वैल्यू एसर्टेनेबल ना हो, और वैल्यू जब एसर्टेनेबल नहीं होती तो क्या करते हैं बताओ, सिमिलर सर्विसेज देखते हैं। नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस होना चाहिए और दूसरा सोल कंसिडरेशन होना चाहिए। लेकिन अगर वो भी एसर्टेनेबल ना हो तो बेस्ट जजमेंट किया जाएगा लेकिन उसकी कॉस्ट से कम पर तो नहीं किया जाएगा। क्लियर हुआ? अब जो हम लोग बात करने जा रहे हैं, ये बहुत बड़ा पावर दिया गया है सेंट्रल एक्साइज ऑफिसर को, बहुत बड़ा पावर दिया गया है, रिजेक्शन ऑफ वैल्यू बाय सेंट्रल एक्साइज ऑफिसर एंड इट्स डिटर्मिनेशन देयर ऑन। जो मैंने अभी बताया ना कि हम लोग को पावर दिया गया है, उस पावर के ऊपर भी उसका पावर दिया गया है। अगर हमने गलत वैल्यूएशन किया है तो वो है सही करने वाला। बस क्या है, सेंट्रल एक्साइज ऑफिसर इम्पावर टू वेरीफाई द वैल्यू अडॉप्टेड बाय द सर्विस प्रोवाइडर। जो मैंने वैल्यूज अडॉप्ट की हैं अगर वो मेरे इंफॉर्मेशन से सेटिस्फाई नहीं होगा तो वो उसको क्या कर देगा, रिजेक्ट कर देगा। ये उसको पावर दिया गया है। आया ना? बोलो भाई। रूल 3 वुड नॉट रेस्ट्रिक्ट सच पावर। जो रूल 3 में आपको पावर दिया गया था सर्विस प्रोवाइडर को, वो उस पावर के ऊपर भी उसका पावर है। क्लियर है? आपके पावर के ऊपर भी उसका तोड़ है। अगर आप गलत वैल्यू बताओगे तो उस गलत वैल्यू को नकार सकता है, ये पावर दिया गया है। उसके बाद वो आपको शो कॉज नोटिस इश्यू करेगा। क्या इश्यू करेगा? SCN, शो कॉज नोटिस, कि बताओ आपकी इस वैल्यू को क्यों ना नकार दिया जाए। आगे, अ शो कॉज नोटिस शैल बी इश्यू टू द सर्विस प्रोवाइडर इफ द सेंट्रल एक्साइज ऑफिसर इज सेटिस्फाइड दैट द वैल्यू डिटरमाइंड बाय सच सर्विस प्रोवाइडर इज नॉट इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजन ऑफ द एक्ट और रूल्स। नकार सकता है बिल्कुल। वो शो कॉज नोटिस में लिखेगा क्यों ना आपके इस बताए हुए वैल्यू से मैं तो खुश नहीं हूं, क्यों ना इसको रिजेक्ट कर दिया जाए। तो आप उसके बारे में क्या देंगे, रिप्लाई करेंगे, और अगर वो सेटिस्फाई नहीं होगा तो वो क्या करेगा, रिजेक्ट कर देगा। SCN टू स्पेसिफाई द अमाउंट ऑफ सर्विस टैक्स फिक्स्ड। अब उसके बाद उसके ऊपर क्या पावर दिया गया है उसको, कि सर्विस टैक्स फिक्स करके आपको बता सकता है भाई आपका इतना सर्विस टैक्स लाइबिलिटी बनता है मेरे पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से। प्रोविजन ऑफ अपॉर्चुनिटी ऑफ बींग हर्ड। तुमने कहा था कि 2000 टैक्स बनता है और सर्विस एक्साइज ऑफिसर ने क्या बोला, 3000 का लाइबिलिटी बनता है। आपने कहा था 2000 की टैक्स लाइबिलिटी और उसने क्या कहा, 3000 की टैक्स लाइबिलिटी। जब भी SSC के ऊपर एक्स्ट्रा टैक्स लाइबिलिटी आती है तो उसको अपॉर्चुनिटी ऑफ बींग हर्ड दिया जाता है, सुनने का मौका दिया जाता है कि आप अपनी बातें रख सको। जब भी आपके ऊपर फाइनेंशियल ऑब्लिगेशन इम्पोज की जाएगी, जब भी आपके ऊपर एक्स्ट्रा इकोनॉमिक एफर्ट दिया जाएगा, इकोनॉमिक बर्डन दिया जाएगा, तो आपसे पहले अपॉर्चुनिटी ऑफ बींग हर्ड किया जाएगा। अपॉर्चुनिटी ऑफ बींग हर्ड का मतलब सुनने का उचित मौका देना, और जिसको हम लोग शुद्ध भाषा में कहते हैं नेचुरल जस्टिस, ठीक है ना। द सेंट्रल एक्साइज ऑफिसर शैल प्रोवाइड अ रीजनेबल अपॉर्चुनिटी ऑफ बींग हर्ड टू द सर्विस प्रोवाइडर, देयर आफ्टर ही शैल डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ सच टैक्सेबल सर्विस फॉर द पर्पज ऑफ चार्जिंग सर्विस टैक्स इन अकॉर्डेंस विद द एक्ट एंड रूल्स। बिना मौका दिए वो आपके ऊपर सर्विस टैक्स लाइबिलिटी एक्स्ट्रा इम्पोज नहीं कर सकता। उसके भी पावर हैं लेकिन वो पावर का सही इस्तेमाल करेगा। रूल 5, इस रूल को हम कहेंगे आप लोग घर पे एक बार इत्मीनान से पढ़ेंगे। पर्पस क्या है इस रूल का, जैसे मैंने आपको पढ़ाया, मैंने ये असाइनमेंट दिया, क्या उसमें इंक्लूजन होगा या एक्सक्लूजन में जाएगा, मेरी बात समझना। क्लियर है?
कभी-कभी हम सर्विस के अलावा भी जो एक्टिविटीज करते हैं, क्या उन एक्टिविटीज को सर्विस टैक्स लायबिलिटी के लिए सर्विस टैक्स की वैल्यू में जोड़ा जाएगा या नहीं जोड़ा जाएगा, इसी को कहते हैं कुछ चीजों को इंक्लूड करना और कुछ चीजों को एक्सक्लूड करना। ये सारे एग्जाम्पल्स दिए हुए, बहुत अच्छी चीज दी है रूल फाइव में, ये पूरा आपको पढ़ना है, ये आपके लिए होमवर्क है। पेज नंबर पूरा 40, रूल फाइव, 41 पूरा और 42, ठीक है ना? इतनी चीजें आपको पढ़ करके आनी है। कोई दिक्कत हो तो आप बताएं, कोई दिक्कत है तो बताएं। यहां तक जितना पढ़ाया, रूल टू बी में मैंने क्या बताया एक बार और देख लो, मनी चेंजर का बताया। रूल थ्री में क्या बताया, रूल थ्री में क्या बताया, व्हेन द वैल्यू इज नॉट एज सर्टेनेबल तो सिमिलर सर्विसेज, नॉट सिमिलर सर्विसेज। रूल फोर में मैंने क्या बताया, एक्साइज ऑफिसर का पावर बताया, उसको SCN इश्यू करने का राइट है, अगर आपकी वो वैल्यू से सेटिस्फाइड नहीं होता है तो अपॉर्चुनिटी ऑफ बींग हर्ट देगा और आपके ऊपर सर्विस टैक्स लाइबिलिटी इम्पोज कर देगा। अब तक मैंने केवल इतना ही बताया इन वैल्यूएशन रूल्स में। थैंक यू बच्चों।